हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जहां एक और पूरे भारत में कोरोना वायरस फैल रहा है, पूरे भारत में यह आंकड़ा 1 लाख को पार कर चुका है और पूरे देश में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर लद्दाख से खुशखबरी आई है। लद्दाख बन चुका है भारत का पहला कोरोना फ्री यूनियन टेरिटरी। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लद्दाख की टोटल पॉपुलेशन है 2,80,000 और पूरे लद्दाख में सिर्फ 2 ही जिले हैं। पहला है कारगिल और दूसरा है लेह। दोस्तों, ये खबर हमें एक आशा देती है, एक भरोसा देती है कि हम इस जंग को जरूर जीत जाएंगे कोविड-19 के खिलाफ। कारगिल को कोविड-19 फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था 15th ऑफ मई को, एंड नाउ लद्दाख हैज आल्सो बिकम कोरोना फ्री। लद्दाख में टोटल केस अब तक रिपोर्ट किए गए थे 43, जिसमें से 24 को पहले ही डिस्चार्ज कर दिया था और बचे हुए 19 पेशेंट्स को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है मई 19 को। तो इसका मतलब है नाउ देयर इज नो एक्टिव केस ऑफ कोविड-19 इन लद्दाख। द यूनियन टेरिटरी हैज बिकम कोरोना फ्री, क्योंकि लद्दाख में 3 मई के बाद कोई भी फ्रेश केस रिपोर्ट नहीं किया गया था। नाउ ऑल द कंफर्म केसेस ऑफ कोविड-19 हैव रिकवर्ड सक्सेसफुली। आपने इनके बारे में तो जरूर सुना होगा। ये हैं मिस्टर किफायत हुसैन, लद्दाख के ही रहने वाले हैं एंड बाय प्रोफेशन ही इज अ मैथमेटिक्स टीचर। लेकिन ये सब जानते हुए भी वो अपना कर्तव्य नहीं भूले और अपने स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लास को जारी रखा। लद्दाख ने तो कर दिखाया 100% रिकवरी। क्या आप कर सकते हैं? क्या अगला स्टेट आपका होगा? और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अगला स्टेट आपका होगा तो अपने स्टेट का नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि लद्दाख ऐसा कैसे कर पाया। दोस्तों, ये काम किसी एक इंसान के बस की नहीं है, पूरे के पूरे लद्दाख ने मिलकर इसको सफल बनाया है। और मैं कहूंगा इट इज अ कलेक्टिव हार्डवर्क बाय डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स एंड लीडरशिप ऑफ द रीजन। इसका सबसे बड़ा कारण रहा लद्दाख की पॉपुलेशन का कम होना। अगर लद्दाख को हम एरिया वाइज देखें तो लगभग पंजाब के जितने एरिया में फैला हुआ है लद्दाख। और हमारे देश की होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि लद्दाख दूसरे राज्यों के लिए एक मॉडल की तरह है, जिसे सभी राज्यों को सीखना चाहिए। सीखने वाली बात यह है कि लद्दाख ने किन बातों पर फोकस किया जिसकी वजह से लद्दाख ये सब कर पाया। दोस्तों, अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट की, तो पहला पॉइंट है हाउस टू हाउस फ्लू सर्वे। इसका मतलब है हर घर में जाकर चेक करना कि किसी को फ्लू के लक्षण तो नहीं है। और दूसरा पॉइंट है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। इसका मतलब है कि अगर कोई भी इंसान कोविड-19 से इन्फेक्टेड है तो उसके कॉन्टेक्ट में कितने लोग आए हैं, तो सिंपली उनको ट्रेस करना। अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट है सर्विलांस। इसका सिंपल सा मतलब है ऑब्जर्व करना। अब ऑब्जर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप यूज कर सकते हैं ड्रोन, आप यूज कर सकते हैं सीसीटीवी कैमरास। और चौथे पॉइंट पर आता है मास सैंपलिंग। और सैंपलिंग के मामले में लद्दाख स्टैंड्स एट नंबर 1 इन द कंट्री। दोस्तों, लद्दाख की गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली कहा था कि बाहर से आने वाले ड्राइवर्स और उनके साथ हेल्पर्स किसी भी लद्दाखी या फिर मैं कहूँ वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके कांटेक्ट में ना आए। ड्राइवर्स सिर्फ अपने डेजिग्नेटेड स्टॉप पर ही रुकें और बीच में कहीं पर भी ना रुकें। दोस्तों, ये बात बहुत छोटी सी है, लेकिन आप भी जानते हैं कि जो बाहर से आता है वायरस का खतरा उसी से ज्यादा होता है। तो आप भी अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।